चोट पर चुनावी टक्कर में इस वक्त उन इलाकों पर फोकस है जो इलाके आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी वोटर एक जमाने में लेफ्ट के वोटर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ ममता बैनर्जी की आक्रामक राजनीति से ये वोटर ममता बैनर्जी की तरफ चले गए। इसके बाद पिछले 10 साल में बीजेपी ने धीरे धीरे इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और ममता बैनर्जी ने लेफ्ट का जो सियासी नुकसान किया था वही बीजेपी ने दीदी के साथ किया है। बंगाल में करीब 6% आबादी आदिवासियों की है। 9 जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी आबादी का प्रभाव है। करीब 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित और आदिवासी वोटर मिलकर बेहद निर्णायक हो जाते हैं। आदिवासी आबादी उत्तर बंगाल के कई जिलों और जंगल महल के उन जिलों में है जो झारखंड की सीमा से लगते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर, बीरभूम जैसे इलाकों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी। इन इलाकों की 8 में से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इन आदिवासी इलाकों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। इसके अलावा उत्तर बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। यहां ममता बैनर्जी को एक भी सीट नहीं मिली थी। यही ममता बैनर्जी की परेशानी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उनका फोकस जंगल महल और उत्तर बंगाल के इलाके में है। वो बीजेपी के पाले में गए वोटों की घर वापसी चाहती हैं। बांकुरा में अमित शाह, पुरुलिया में ममता बैनर्जी, एक ही बेल्ट में दोनों नेताओं का प्रचार। ये सीधी लड़ाई है जंगल महल के उस इलाके की जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में ममता बैनर्जी का बड़ा सियासी नुकसान किया है। आदिवासी इलाके में जो वोट 2011 में लेफ्ट से ममता बैनर्जी ने छीना था वो वोट 2019 आते आते बीजेपी ने दीदी से खींच लिया। यही वजह है कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जंगल महल की चारों लोकसभा सीटें जीत ली थी। तुमने जो चेष्टा करो हमें जो दिन हमारे गलार श्वास हृदय चलो तुम्हारा कंठ के स्तब्ध करते पारबे ना, तुम्हारे विरुद्ध लड़ाई चलो এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। নয় হবে, নয় হবে। अब ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं कि बीजेपी ने जो उनका नुकसान 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था वो विधानसभा चुनाव में न कर पाए और उन वोटों की घर वापसी हो जाए जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग तेज हो चुकी है और इस बार उफान जंगल महल में है जो माओइस्ट प्रभावित इलाका है। जंगल महल में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, सभी लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में ममता बनर्जी की कोशिश है बीजेपी की इस बढ़त को कम करें, तो वहीं अमित शाह इस कोशिश में जुटे हैं कि इस बढ़त को और आगे ले जाएं। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा जैसे इलाकों में बीजेपी के बड़े प्रभाव की काट निकाल सकें और फिर से अपने लिए माहौल बना सकें। इसके लिए वो यही आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने जो वादे करके इस इलाके से वोट लिए वो वादे पूरे करने में वो नाकाम रही है और केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। একটা অটোক্রেটিক গভর্নমেন্ট, কাউকে মুখে কথা বলতে দেয় না, না আছে ডেমোক্রেসি। लेकिन दीदी के जवाब में अमित शाह इस इलाके में वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी ने पिछले कई महीनों से दीदी की हर तरफ से घेराबंदी की है कि बंगाल में 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाल को पाताल तक नीचे ले जाने का काम किया है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में टोलबाजी, राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, तुष्टिकरण, हिंदुओं के और आदिवासियों के त्योहार मनाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़े इस प्रकार की स्थिति और मारपीट और गुंडागर्दी ने पूरे बंगाल के विकास को तहस नहस कर रख दिया है। ऐसी चुनावी टक्कर में एक एक बात पकड़ी जा रही है, एक एक बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। झारग्राम में अमित शाह हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से रैली में नहीं पहुंच पाए, उन्हें वर्चुअल भाषण देना पड़ा तो टीएमसी ने कह दिया कि रैली में खाली कुर्सियों और कम भीड़ की वजह से अमित शाह को मजबूरी में फैसला करना पड़ा। झारग्राम में आज के स्वराष्ट्र मंत्री सभा छिलो, जाइ होक
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি সবাই গিয়ে পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু সবার যা ছবি আমার কাছে এসছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা সভায় আসছে, চায়ের দোকানে সকালে আড্ডা দিতে লোক বেশি পাওয়া যায়। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से झारग्राम की रैली में देर हो रही थी, इसलिए वर्चुअल भाषण हुआ। इसके बाद शाह बांकुरा के रानी बांध पहुँचे और हेलीकॉप्टर वाली बात पर जवाब दिया। मित्रों, सबसे पहले मैं एक क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई। झारग्राम में पौलमी साहा के साथ अनुपम मिश्र, बांकुरा आज तक।